हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें टोटली शांति छा चुकी है, शांति हो चुकी है, एकदम शांत हो चुका है स्टॉक। ना कोई मूवमेंट, ना कोई वॉल्यूम, ना कोई भागा दौड़ी, एक तरह से एक ही डायरेक्शन में शांति से धीरे धीरे वहीं चल रहा है। और आज भी अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा शांति देखने को मिली, 13.95 रुपीज़ पर क्लोज किया है और 0.36% लो क्लोज हुआ है। ऑपरेटर लोग कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके स्टॉक का प्राइस मेंटेन करने की, क्योंकि वो भी पक्का ऊपर के रेट में फंसे होंगे और वो कोशिश कर रहे हैं कि शेयर नीचे ना जाए। एमओ ऑर्डर की बात करें तो 77,000 शेयर्स की एमओ सेलिंग के लिए लगी हुई है। लोग धीरे धीरे परेशान होकर अपनी होल्डिंग बेचने के पीछे लगे हुए हैं, ऐसा इसमें से दिख रहा है। शेयर का जो है ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में जाना और जेड कैटेगरी में जाना, ये काफ़ी नेगेटिव बन चुका है कंपनी के लिए। आज तो हद ही हो गई, एनएससी और बीएससी मिलाकर सिर्फ 56 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। आपने काफ़ी दिनों बाद ये फिगर सुनी होगी, 56 लाख शेयर्स, वो भी सिर्फ ब्राइटकॉम ग्रुप में। एएसएम स्टेज 4 में रहता था तब भी इतना कम वॉल्यूम होता नहीं था, पर जब से जेड कैटेगरी में गया है वॉल्यूम एकदम ड्राइव हो चुका है। 56 लाख शेयर्स ही सिर्फ वॉल्यूम हुआ है, जो कि काफ़ी परेशानी की बात है। सबको इंतज़ार है 9 मई का, उसके पहले कुछ कंपनी की ओर से आता है तो शेयर में हलचल होगी, नहीं तो शेयर ऐसे ही साइडवेज जाता रहेगा, उसी रेंज में घूमते रहेगा ऐसा दिख रहा है। वेट करना होगा, कोई कंपनी की ओर से न्यूज़ आती है उसका, या फिर सैट या सेबी की ओर से कोई न्यूज़ आती है उसका। जब तक शेयर में कोई बड़ा मूवमेंट होगा ऐसा लगता नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।